केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि दमोह में कोरोना अभी कम है, लेकिन उपचुनाव के चलते हमें सतर्क रहना होगा। उन्होंने चुनाव में सक्रियता दिखाने वालों से संयम रखने की भी बात कही। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि देश में कोरोना की दूसरी लहर के संकेत हैं, लेकिन दमोह में उस तरह कोरोना नहीं है अभी जिसको खतरा माना जा सके, लेकिन उपचुनाव को देखते हुए सावधान रहने की जरूरत है। इस दौरान उन्होंने चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने वालों से अपील की है कि सभी अपने विवेक का परिचय दें, संयम रखें, खुद भी मुसीबत में न पड़े और दूसरों को भी मुसीबत में न डालें। उन्होंने कहा, कोरोना के चलते होली का त्यौहार सभी ने सादगी से मनाया, लेकिन आगे आने वाले समय में जब कोरोना काबू में हो जाएगा, इस त्यौहार को अच्छे तरीके से मनाया जाएगा। दमोह के सभी ग्रस्त के हमारे भाइयों को होली की शुभकामनाएं, धुड़ेरी की शुभकामनाएं और आने वाला रंग पंचमी का त्यौहार उसकी भी शुभकामनाएं। परिवेश बदला है, कोरोना तो फिर से दूसरी लहर का संकेत मिल रहा है, लेकिन हम भाग्यशाली हैं कि अभी दमोह में वो संख्या ऐसी नहीं है जो इसको हम खतरा माने, लेकिन फिर भी सावधानी की मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि उपचुनाव भी इस बीच में है। हम उन तमाम लोगों से कहेंगे जो इसमें अपनी सक्रिय भूमिका अदा कर रहे हैं, वो विवेक का परिचय दें, संयम का परिचय दें, खुद भी मुसीबत में ना पड़े और दूसरों को भी मुसीबत में ना डालें। हम सब मिलजुल कर उमंग और उत्साह से होली का त्यौहार मनाते थे, लेकिन अब इस परिस्थिति में सादगी के साथ हम सबका मिलना हुआ है और मैं विश्वास करता हूँ कि जैसे ही ये कोरोना का प्रभाव कम होगा, हमारे यहाँ शहीदों के बहुत से स्थान हैं, कोई ऐसे अवसर पर हम इस कमी को अपन पूरा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।